हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीवी सॉकेट की वायरिंग किस प्रकार से होती है, कहां कहां पर इसको लगा सकते हैं और अंडरग्राउंड डिस्क का वायर है वो इसके अंदर किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से सही कनेक्शन होता है, पूरा डिटेल में जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखना है। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो किस प्रकार से इस 12 मॉड्यूलर बोर्ड का कनेक्शन होता है और विथ टीवी सॉकेट के साथ में आपको अलग से बोर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का टीवी सॉकेट आता है, तो देखिए आपने पहले भी देखा होगा और वायरिंग में, अंडरग्राउंड वायरिंग में लगभग हर घर के अंदर लगाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी वायरिंग करने में लगभग सभी को कन्फ्यूजन होती है जो नया काम करते हैं। तो कुछ इस प्रकार सा ये किस प्रकार से फिट होता है, ये आपका जो मॉड्यूलर बोर्ड होता है उसके अंदर जिस प्रकार से स्विच को फिक्स करते हैं इसी प्रकार से इसको कर देते हैं। देखिए हमने 12 मॉड्यूलर बोर्ड में इसको लगा दिया है, अलग से टीवी का बोर्ड हमने नहीं दिया है क्योंकि वहाँ पर टीवी कुछ ही टाइम के लिए लगता है, अभी डिसाइड नहीं है लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले से कनेक्शन दिया हुआ है तो इसी बोर्ड से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो देखिए इसमें कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, इस पूरे कंप्लीट बोर्ड का कनेक्शन हम सिखाएंगे विथ टीवी सॉकेट के, और ये पूरा टीवी बोर्ड का भी काम करेगा और प्लस इसमें कुछ लाइटों का भी स्विच वगैरह दे दिया है जो कि अलग से बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर टीवी पहले डिसाइड नहीं होता है कि यहाँ पर टीवी लगेगा और बाद में वहाँ पर होता है कि टीवी लगने वाला है, तो कुछ इस प्रकार के बोर्ड के अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार के वायर के पीस हमने कट कर लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आसानी से आपको कनेक्शन भी समझ में आ जाए। तो इसमें जो दो स्विच है इसको हमने इससे कनेक्ट किया है और दो नीचे वाले जो स्विच हैं उसको भी इस वायर से कट कर देंगे, यानी एक एक टर्मिनल को जॉइंट करेंगे हम, मिलाते हुए चलेंगे क्योंकि ये इन्वर्टर पर चलने वाला है और बाकी दो स्विच इस साइड में जो हमने छोड़ रखे हैं वो डायरेक्ट मीटर की सप्लाई से चलेंगे। तो उसमें कनेक्शन मीटर का आएगा और कुछ इस प्रकार से देखिए जो जो इन्वर्टर से चलना है उसको लूप करना है, जितने भी स्विच लगे हैं उनका एक एक टर्मिनल आपस में मिलाना है इस प्रकार से एक वायर का पीस लेकर, और ये जितने भी जो ब्लू कलर का वायर डाला है ये इन्वर्टर से चलना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, उसके बाद में दो स्विच ऊपर की तरफ बचे हुए हैं उसके अंदर जो ग्रिड की सप्लाई आती है वो कनेक्ट होगी। तो इस प्रकार से देखिए, क्योंकि दो नीचे वाले स्विच इन्वर्टर से इसलिए जोड़े हैं क्योंकि यहाँ पर टीवी लगने वाला है वो इन्वर्टर पर लगने वाला है, और उसके बाद में ऊपर एक सीलिंग फैन का पॉइंट है और एक लाइट का पॉइंट है, उसको भी इन्वर्टर देना ज़रूरी है। तो कुछ इस प्रकार से दो स्विच है, ये एक्स्ट्रा जो लाइट होती है कलर वाली उसके हैं तो इसको हम इन्वर्टर पर नहीं देंगे। तो इस प्रकार से कनेक्शन किया है, लूप कर दिया है, और उसके बाद में आपको सॉकेट टू स्विच कनेक्शन करना है। जिस तरफ एन लिखा है इस सॉकेट में, जिस टर्मिनल पर उसमें इस वायर के पीस को लगाना है और उससे स्विच का, इसके पास वाले स्विच में जो खाली टर्मिनल बचा है उसके अंदर आपको कनेक्शन करना है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, देखिए इस प्रकार से आपको लगा देना है स्विच के अंदर, और इसी प्रकार से जो साइड वाला एक 5 पिन सॉकेट और लगा है उसका कनेक्शन भी सेम होगा, जिस साइड में एल लिखा है। तो देखिए इस साइड में एल लिखा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, और ये जो पीस का आखिरी सिरा है इसको आपको इस पास वाले स्विच से कनेक्ट कर देना है जिससे ऑन ऑफ होगा। तो देखिए ये टीवी और सेटअप बॉक्स के लिए हमने वायरिंग किया है, और ऊपर वाले जो पोर्शन है इसका, जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है बोर्ड का, ये लाइटों के लिए है। तो कुछ इस प्रकार से, और ये जो फैन का वायर है ये इसके पास वाले टर्मिनल में एक वायर को कनेक्ट करना है। तो देखिए एक वायर को इसके पास वाले स्विच से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि ताकि स्विच से सीलिंग फैन को ऑन ऑफ कर सकें और ये सीधा सीलिंग फैन के अंदर जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया है, और उसके बाद में बताते हैं बाकी का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस साइड में एन लिखा है उसमें न्यूट्रल का वायर देना है। तो देखिए एक वायर का पीस लिया है और न्यूट्रल का वायर इतना कट करके रखना है इधर, जो बाहर से मेन लाइन का न्यूट्रल का वायर आएगा उसके साथ में ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अर्थिंग भी इसके अंदर देना है, तो अर्थिंग आपका जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें लगता है, और एक साइड में एक बार के लिए रखेंगे कि जहाँ पर बोर्ड लगना है उस वायर के साथ में अर्थिंग का वायर कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, अब हम लेकर चलते हैं जहाँ पर इस बोर्ड को लगाना है।
तो यहाँ पर देखिए एक डिस्क का वायर आया हुआ है अलग पाइप के थ्रू, और फेज और न्यूट्रल के वायर और अर्थिंग के वायर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं टोटल बोर्ड का कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ये न्यूट्रल का वायर है, ये अर्थिंग का वायर है, और ये सारे हाफ वायर है लाइटों के और सीलिंग फैन वगैरह के। ये सीलिंग फैन का वायर है जिस पर टेप लगा है, तो कुछ इस प्रकार से हमने लगा रखा है। तो देखिए अब कनेक्शन करते हैं। अब टीवी सॉकेट का कनेक्शन भी हम करके कंप्लीट दिखाएंगे, और एक वीडियो पहले भी हमने टीवी सॉकेट के ऊपर बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी कंप्लीट देख लीजिए। और उसमें भी कोई सवाल सुझाव रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये आपको अच्छे से इस वीडियो में भी आपको समझने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल का वायर लिया है, और इस न्यूट्रल का वायर पहले दूसरी सॉकेट से आया हुआ है, इसके साथ में लूप करके आपको इस वाले सॉकेट में एन लिखा है उसके अंदर डाल देना है। अब अर्थिंग का वायर लेना है, और दो वायर अर्थिंग के पहले भी आ रहे हैं, एक दूसरे बोर्ड से आया है और एक एमसीबी बॉक्स से आया है। इन तीनों को लूप करके दूसरे सॉकेट का जो अर्थिंग का पॉइंट है उसके अंदर लगा देना है, तो उस पॉइंट से अर्थिंग इस वाले सॉकेट के अंदर भी आ जाएगा और डायरेक्ट दूसरे बोर्ड में भी चला गया है। उसके बाद में आपको बताते हैं, आप ये जो है इन्वर्टर का वायर है, ये जो रेड कलर वाले हैं, ये हमने इसमें नहीं लगाना था, इसमें हमें इन्वर्टर की वायरिंग करना है। तो इसको हम पहले हटा लेते हैं रेड वाले वायरों को, इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, इसका कनेक्शन भी करना बताएंगे कुछ इस प्रकार से। आपको देखिए ये रेड वाले वायर हैं, ये मेन सप्लाई के हैं जो मीटर से आती है, तो इसको आपको इस दो स्विच के अंदर ही देना है। ये दो वायर इसलिए हैं, एक यहाँ से एमसीबी बॉक्स से आया है और एक इस बोर्ड से, इस यहाँ पर एक दूसरा बोर्ड भी है दूसरी वाल के ऊपर, उसमें चला गया है। तो यहाँ से सप्लाई इन दो स्विचों के अंदर ही आया है जो एमसीबी बॉक्स से आया है, और ये इन्वर्टर का वायर है, ये चारों स्विचों के अंदर लगेगा जो लूप हमने कर रखा है। तो देखिए इसमें एक स्विच के अंदर एक साथ लगा देना है, जो लूप किया है नीचे वाले टर्मिनलों के उसमें से किसी भी टर्मिनल में साथ में ही इसको लगा देना है। तो इन सारे स्विचों के अंदर इन्वर्टर का वायरिंग चला गया है और फेज का वायरिंग इस साइड लगा दिया है। अब सारे जो हाफ वायर बचे हैं, इसमें सीलिंग फैन का वायर लेना है जो जिस पर टेप लगा है, और यहाँ पर रेगुलेटर का एक वायर बचा हुआ है, इसके साथ में आपको कनेक्ट कर देना और टेप अच्छे से लगा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है कि बल्ब का वायर कौन सा है, पहले से मार्किंग किया हुआ है तो अच्छी बात है, और मार्किंग नहीं किया है तो इस प्रकार से बोर्ड से हम चेक कर लेंगे कि जो इन्वर्टर पर लाइट देनी है उसका वायर कौन सा है, इसका पता लगाते हैं। इसका पता किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए आपको एक वायरिंग का बोर्ड लेना है इस प्रकार से, और इसमें से एक वायर का पीस ले लेना है, और अब एक वायर डालना है हाफ वायर, और एक न्यूट्रल का वायर इस न्यूट्रल वाले पर लगाना है तो लाइटें जलेगी। उसके बाद में दूसरा देखना है कि बल्ब का वायर कौन सा है, जिसमें बल्ब जलता है उसमें आपको यहाँ पर देखिए बल्ब जला है, तो इस ये वायर बल्ब का है तो इसे इन्वर्टर से देना है। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर वाले स्विच में डाल देना है, जो ऊपर एक स्विच और बचा है जिसमें इन्वर्टर का वायरिंग दिया है हमने, तो उसमें आपको अच्छे से कनेक्ट कर देना है। तो इसका वायरिंग करना बिल्कुल आसान है। अब बाकी जो वायर बचे हैं, दो स्विच यहाँ से एमसीबी बॉक्स से जो मेन पावर सप्लाई आई थी उससे कनेक्ट है, तो उसमें आप कोई से भी स्विच के अंदर कोई सा भी वायर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से जो इन्वर्टर के अंदर देना है लाइट वगैरह, उसी का आपको मार्किंग करना होता है, बाकी किसी भी स्विच में दे दीजिए, उस स्विच से वो लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से होने के बाद में ये कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। अब हम चलिए दिखाते हैं आपको टीवी सॉकेट की वायरिंग किस प्रकार से होती है और डिटेल में बताते हैं। तो इसकी भी वायरिंग करना बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वायरिंग किया है हमने, अर्थिंग का वायर यहाँ पर दिया है और ये न्यूट्रल का वायर दिया है, इस सॉकेट में चला गया है। उसके बाद में देखिए इसके टीवी सॉकेट की वायरिंग करना सिखाते हैं। तो देखिए पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेन जो बोर्ड होता है उसी के अंदर हम टीवी सॉकेट की भी वायरिंग कर लें। तो कुछ इस प्रकार से वायर को कट करना है, इतना वायर को आपको कट करना है, कम से कम 1 इंच वायर को आप कट कर लीजिए। इसके ऊपर का सिर्फ ये पीवीसी हटा लीजिए और बीच वाला वायर आपको रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा पीवीसी हटाना है, सिर्फ पीवीसी ऊपर का हटाना है, और उसके बाद में ये जो एल्युमिनियम के वायर दिखाई दे रहे हैं एल्युमिनियम जैसे, इसको आपको इस प्रकार से पीछे करना है, इसको कट नहीं करना है, और इसके ऊपर जो एल्युमिनियम फॉइल जैसा लग रहा है इसको भी यहाँ से अलग करना है थोड़ा सा। ये ध्यान रहे जो एल्युमिनियम जैसे वायर दिखाई दे रहे हैं, ये बीच वाला जो कॉपर का वायर है इससे अटैच नहीं होने चाहिए, इससे बिल्कुल आपको हटा देने हैं,
यदि इससे अटैच होते हैं तो आपका सेटअप बॉक्स भी ख़राब हो सकता है और ये शॉर्ट होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अलग कर लेना है जो बीच वाला हिस्सा है, उसके बाद में ये इस प्रकार से लगेगा। यहाँ पर जो दोनों साइड में पत्तियाँ लगी है, एक्स्ट्रा वायर को आप कट कर लीजिए। और करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक बीच में स्क्रू लगा है छोटा सा, उसको आपको लूज करना है। और उसके बाद में ये जो पत्तियाँ लगी है दोनों साइड, इसमें से एक साइड की ओपन कर देना है। यदि यहाँ से दूसरे बोर्ड में भी कनेक्शन गया है तो दोनों साइड का काम में आएगा, वरना एक साइड का ही काम में आने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लूज करना है, दो स्क्रू इसमें लगे रहते हैं और दोनों स्क्रू को इस प्रकार से आपको लूज कर लेना है। और इसको इतना लूज करना है कि ये वायर इसके अंदर से निकल जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन स्क्रू को लूज करना है और अंदर से आपको वायर इस प्रकार से डालना है। तो इस प्रकार से देखिए जो एल्युमिनियम के वायर हैं ये बिल्कुल इस पत्ती के सीध के अंदर आने चाहिए, और ये पत्ती जो एल्युमिनियम के वायर हमने पीछे किए थे इसके ऊपर कसना है ताकि ये हिले नहीं और यहाँ से सिग्नल मिल सके। और नेगेटिव वायर का काम यही करते हैं। और कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आपको ध्यान रखना है जो एल्युमिनियम फॉइल और ये एल्युमिनियम जैसे वायर हैं ये इस बीच वाला जो स्क्रू दिखाई दे रहा है इसके अटैच नहीं होना चाहिए, इसको आपको सेपरेट रखना है। तो कुछ इस प्रकार से इसको टाइट कर देना है अच्छे से। और जो एल्युमिनियम जैसे वायर थे हमने पीछे किए थे ये इस पत्ती के बिल्कुल नीचे आने चाहिए और अच्छे से इसके चिपक जाने चाहिए, और इसको अच्छे से टाइट कर देना है, हिलना नहीं चाहिए। अब जो ये बीच वाला स्क्रू है इसको टाइट करना है, जिसमें हमने कॉपर का वायर जो कॉपर जैसा वायर लग रहा है इसको फंसाना है। इसमें होल बना रहता है, उस होल से इस कॉपर वाले वायर को हमने अंदर डाल दिया है। डालने के बाद में अच्छे से टाइट कर देना है और एक्स्ट्रा वायर को थोड़ा सा इधर मोड़ देना है, और एक्स्ट्रा वायर को कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ध्यान यही रखना है बीच वाले जो स्क्रू है इससे जो एल्युमिनियम जैसे वायर निकले रहते हैं वो बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, इसके ऊपर का जो ये कवर हटाकर आपको इस बोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर देना है, और थोड़ा सा वायर जो डिश वाला है वो एक्स्ट्रा रहना चाहिए बोर्ड में, कभी भी अलग कनेक्शन करना हो तो काम में आ जाए। तो कुछ इस प्रकार से इसका कवर हटाया जाता है बोर्ड का। तो इस 12 मॉड्यूलर बोर्ड के अंदर टीवी सॉकेट को लगाना कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं। उसके बाद में कोई भी सवाल सुझाव रहता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको लगाना है, और वीडियो को लाइक अभी से कर दें। तो देखिए इसको लगाना भी बिल्कुल आसान होता है। इसके साथ में स्क्रू आपको दिए हुए मिलते हैं वो पूरे फिक्स आते हैं, तो ये आप लगा सकते हैं। अन्यथा आप जो ब्लैक स्क्रू आते हैं वो भी इस GI बॉक्स में लग जाते हैं बिल्कुल आसानी से, वो भी आप अपने हिसाब से छोटे बड़े आप मंगवा कर लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है, और इस बोर्ड को बिल्कुल सीधा लगाना है, उसके बाद में काफ़ी अच्छा दिखने में लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से पहले आप दो आमने सामने के स्क्रू आप लगा दें, और इसमें टोटल 12 मॉड्यूलर बॉक्स में 4 स्क्रू लगने वाले हैं, और इसको जो वाटर लेवल आता है उससे आप सीधा देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वाटर लेवल आपके पास नहीं है, आप मंगवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मंगवा सकते हैं। और जो इसके ऊपर का जो आउटलेट आता है यानी कि इसके ऊपर कनेक्टर आता है जो सेटअप बॉक्स में जाएगा, और सेटअप बॉक्स से इस कनेक्टर के अंदर लग जाएगा, टीवी सॉकेट के अंदर लगता है, वो आपके पास नहीं है। वो किस प्रकार से आता है, किस किस प्रकार से उसका कनेक्शन होता है नहीं पता है आपको, तो कमेंट कर सकते हैं। अगला वीडियो उसके ऊपर मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा। और वो ख़रीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में वो कम ही देखने को मिलता है। यदि आप बड़े मार्केट के पास रहते हैं तो वहाँ पर इजीली मिल जाता है, यदि नहीं मिलता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल सामान का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टीवी सॉकेट है ये आपको वहाँ पर ही मिलेगा, जिस कंपनी का आपने मॉड्यूलर सेट लिया है उसी कंपनी का लेना होता है, क्योंकि अन्य कंपनी का उसके अंदर फिक्स नहीं आएगा, तो इसलिए इसका लिंक नहीं दिया है। लेकिन इसके ऊपर जो टॉप लगता है उसका लिंक हमने दे दिया है, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको टेस्टर की सहायता से भी आपको इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, यदि बोल्ट ज़्यादा टाइट हैं तो आप इस प्रकार से भी सीधा रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको टाइट कर देने हैं, और टाइट करने के बाद
कुछ इस प्रकार से देखिए, ऊपर हम खिसका रहे हैं, कभी कभी बोल्ट जो है टाइट रहते हैं तो ऊपर नहीं जा पाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से भी ऊपर और नीचे करना पड़ सकता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको टाइट कर देने हैं और थोड़ा थोड़ा लूज आपको रखना है, और उसके बाद में वाटर लेवल से सीधा देखना है, और उसके बाद में टोटल कंप्लीट टाइट कर देने हैं। और टाइट करने के बाद में इसके ऊपर का कवर लगा दोगे तो ये लगकर कंप्लीट हो जाता है, और इसकी वायरिंग भी बिल्कुल आसान होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। इसमें टीवी बोर्ड का भी काम करेगा ये, और यहाँ से सीलिंग फैन और लाइट वगैरह भी कंट्रोल हो जाएंगी बिल्कुल आसानी से, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप टीवी सॉकेट का अलग बोर्ड लगाना चाहते हैं तो आप 2 मॉड्यूलर का जीआई बोर्ड लगा सकते हैं अलग से, और इसके पास में जहाँ पर टीवी बोर्ड लगना है उसके पास में ही लगा सकते हैं, और उसमें 1 मॉड्यूलर का जो है सीट लाकर उसमें ये लगा सकते हैं आसानी से टीवी सॉकेट, और आसानी से लग भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके मेन बोर्ड में जगह नहीं है इसको लगाने की तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको सीधा देखना है वाटर लेवल से और इसको टाइट करते जाना है, और अच्छे से टाइट करने के बाद में इसके ऊपर का कवर आपको लगा देना है, और ये लगकर कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल सीधा लगा है तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद में इन जो लूज स्क्रू रखे हैं हमने वो उसको टाइट कर देना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, इसके ऊपर का जो सीट है वो लगा देना है, जो इसके ऊपर का कवर आता है वाइट कलर का उसको भी आपको लगा देना है, और अच्छे से देखकर आपको लगाना है ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे। तो अब आपको दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल सीधा है। तो कुछ इस प्रकार सा जो सीट आता है उसको भी यहाँ पर लगा देना है, और लगने के बाद में कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।